हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है ना। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। बहुत ही ईजी और बहुत आसान प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जो है, यानी विकास जो है, वो निरंतर चलता रहता है। क्योंकि है क्या देखा भी गया है या कहा भी जाता है कि इट स्टार्ट बिफोर बर्थ एंड स्टॉप्स आफ्टर डेथ। यानी ये जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था, यानी जो प्रेगनेंसी स्टेट होती है उसके अंदर ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और स्टॉप कब होता है? आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद में हम जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप होता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी स्लो प्रोसेस। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? स्लो प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसकी एक साल के अंदर हाइट बढ़ रही है, 6 इंच हाइट उसकी बढ़ती है। तो ये हाइट जो है हमें दिखती नहीं, एक साल के अंदर 6 इंच बढ़ता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसकी ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हम उसको एग्ज़ामिन नहीं कर पाते कि उसकी हाइट जो है 6 इंच इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये देखा होगा कि हमारा वेट भी बढ़ जाता है या हाइट भी बढ़ जाती है, तो हम जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ में या जिनके साथ में रह रहे होते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर कोई बाहर से आते हैं तो उनको जल्दी से पता चल जाता है कि हाँ, तुम्हारी हाइट बढ़ी है या तुम मोटे हो गए हो, तुमने वेट गेन किया है या तुमने वेट कम हो गया है, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो गई है। ये अक्सर ऐसा होता है क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस होता है जो हम एग्ज़ामिन नहीं कर पाते हैं, है ना। और अगर अपन जैसे अपना पुराना एल्बम उठाते हैं, फ़ोटोज़ एल्बम उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कितने चेंजेस होते हैं। अगर हम बचपन की फ़ोटोज़ देखते हैं और अभी एट प्रेजेंट की फ़ोटो हम देखते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे डेवलपमेंट, हमारे अंदर कितने चेंजेस हो गए हैं, ठीक है ना। और ये जो चेंजेस होते हैं कैसा होता है? ग्रेजुअल होता है, यानी स्लो होता है। ओके, देन गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल का सिद्धांत का मतलब होता है कि डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज़ मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का वो एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड कभी नहीं होती। जैसे कि इंसान की उम्र, एज ऑफ़ ए पर्सन हमेशा बढ़ती रहती है। कभी आपने सुना है कि ये एक साल छोटा हो गया, 2 साल छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं होती है। तो ये पहला कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहलाता है। मैं आपको उनका मतलब बता देती हूँ एग्जांपल देके। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी मतलब जो चेंज रिवर्स हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर इज़ कन्वर्टेड इन टू आइस ऑन फ्रीजिंग। सिमिलरली, इफ़ वी मेल्टिंग द आइस वी गेट वाटर, सो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली, एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इन टू कर्ड। सिमिलरली, कर्ड कैनॉट बी कन्वर्टेड इन टू मिल्क, इट कान्ट बी पॉसिबल, सो इट इज़ इरिवर्सिबल। सिमिलरली, डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज़ मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। एग्जाम्पल, एज ऑफ ए पर्सन। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने आपको ये बताती हूँ कि जो डेवलपमेंट है, 4 डोमेन्स, डेवलपमेंट की 4 डोमेन्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में हाइट और वेट आता है पर्सन का। दूसरा होता है कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज़ लैंग्वेज, थिंकिंग लेवल। हमारी थिंकिंग लेवल कैसी है? दो बच्चों की जो सोचने की क्षमता है वो बहुत अलग होती है। कोई भी कंसेप्ट होता है, दो बच्चे अलग अलग उनका माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल होता है। कोई जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, कोई चीज़ जल्दी से समझ लेता है, और कोई बहुत टाइम लगाता है उसी चीज़ को समझने में। इसी तरह अगर अपन लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में जो दो बच्चे हैं उनका लैंग्वेज की, जिनकी बच्चों की लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, बहुत जल्दी वर्ड्स को सीख लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, बोल पाते, सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत जल्दी से कर पाते, और कोई कोई जो होते हैं उनके सेंटेंस को बोल ही नहीं पाते, या तुतलाने लग जाता है, या फिर उनको सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम, ये किस में आएगा? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल डोमेन का मतलब क्या होता है? कि कुछ पर्सन, बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि कुछ जल्दी से घुल मिल जाते हैं लोगों से, और कुछ जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, जल्दी उनको घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। ये सोशल डोमेन में हो गया।
देन चौथा होता है अपना इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन में क्या होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी मोरलिटी देख लो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होती है। कोई कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को सही बोलते कि नहीं ये चीज़ सही है, और कोई वही बच्चे उन्हीं चीज़ को सेम चीज़ को गलत बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल में उनकी ये जो डोमेन्स होते हैं, चार डोमेन होते हैं, उनमें सब में वेरिएशंस होती है। कोई भी डोमेन सेम नहीं होते हैं, दो पर्सन्स बिल्कुल भी सेम नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं अगर इन डोमेन की देखें तो हम, ठीक है ना। इसको इमोशंस की अगर हम बात करें तो मैं इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको देख के समझाऊंगी कि कुछ जो लोग होते हैं कैन कंट्रोल और मैनेज देयर इमोशन, वाइल सम कांट कंट्रोल और मैनेज देयर इमोशंस। कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपनी इमोशन बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो इन दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट 100% नो इंडिविजुअल्स आर सेम, दे हैव सम डिफरेंसेस डेफिनेटली। कुछ जो इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं वो 100% सेम कभी नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस डेफिनेटली होते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। सामान्य से विशिष्ट का प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो फर्स्ट कंसिडर थिंग्स इन जनरल, बट लेटर ऑन दे अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज एंड देन टेक इट एज ए स्पेसिफिक। जैसे इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी। सिर्फ कोई बच्चा है, उस बच्चे को अपन ने चॉकलेट दी या टॉफ़ी दी, तो वो कोई सी भी टॉफ़ी होगी, भले हम उसको जैम्स दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, डेरी मिल्क दे रहे हैं, वो उसको पहले चॉकलेट ही बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उन टॉफ़ी की कैटेगरी समझने लग जाता है। जैसे आप उसको जैम्स दोगे तो वो यही बोलेगा, चॉकलेट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा ये जैम्स है, ये लॉलीपॉप है, ये डेरी मिल्क है। तो यानी वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर एक समझदारी आ जाती है, वो चीज़ों को स्पेसिफिकेशन करने लग जाता है, कैटेगरी में डालने लग जाता है, उसको कैटेगराइज या स्पेसिफिक बना देता है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। यानी कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी चाइल्ड है, उसका सर्वाधिक प्रभाव उसके कल्चर का और सोसाइटी पर पड़ता है। डेवलपमेंट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, एनवायरमेंट प्रोवाइडेड टू ए चाइल्ड। जैसा एनवायरमेंट आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, बच्चा वैसा बन जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर थिंकिंग लेवल, अगर आपका थिंकिंग लेवल कैसा है, अगर आप सोसाइटी के साथ में, जिन लोगों के साथ में मैच कर रहे हैं, तो आपको वो सोसाइटी अच्छी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आपकी थिंकिंग लेवल उनसे मैच नहीं करती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कभी कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता, उन लोगों के साथ में रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि आपकी थिंकिंग लेवल मैच नहीं करती है। किस तरह से, हाउ इज़ हेल्थ इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट, आपका जो हेल्थ का जो इफ़ेक्ट है वो एनवायरमेंट कितना डालता है, यानी आप, आपकी जो हेल्दी कंडीशन, आप जैसे कि आप स्वस्थ है या नहीं है, या फिर आप जल्दी से एनवायरमेंट में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी से आपको कोल्ड या कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, मतलब कितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, तो ये सभी प्रभाव एनवायरमेंट डालता है, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट, गोइंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ऑर्डरली प्रोसेस और सिक्वेंशियल प्रोसेस। इस प्रिंसिपल की तीन नाम है, इसको, ये प्रिंसिपल वैसे एक ही है लेकिन इसके नाम अलग अलग दे रखी, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ऑर्डरली प्रोसेस और सिक्वेंशियल प्रोसेस। इसका मतलब ये है, इस प्रिंसिपल में ये है कि अगर हम बच्चे को कोई बहुत इजी चीज़ देते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर, जैसे कि 3 + 3 = 6, ये बहुत ही सिंपल एडिशन है, अगर बच्चा ये नहीं कर पा रहा है तो टीचर ये एज्यूम कर देता है कि जब वन डिजिट का नंबर्स वो ऐड नहीं कर पा रहा है तो 2 डिजिट के नंबर भी वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, दैट इज़ 10 + 10 = 20, इट कॉन्ट बी पॉसिबल। सो ये प्रिंसिपल ये कहता है, अगर बच्चा कोई सिंपल चीज़ नहीं सीख पाता है तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अपन कोई बच्चे को कहते हैं कि अगर आई विल ड्रॉ द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर बच्चा